मार्केट है भाई, ये देख रहे हो, ये पूरा ये यहाँ से वहाँ तक ये पूरा बता रहा हूँ, ये पूरा गोश्त की मार्केट है, ये बहुत लंबी मार्केट है। ये देख रहे हो यहाँ पे ये सारा पूरा टंगा हुआ है, ये गाय का गोश्त है। ये देखो भाई यहाँ पे पूरी पूरी गाय कट रही है, पूरा पूरा देख रहे हो कितना जबरदस्त सीन है यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आज चल रहे हैं बताह, आज मैं आपको बताह की गोश्त मार्केट दिखाता हूँ। रियाद की जो सबसे बड़ी मीट मार्केट है वो बताह है। आज मैं आपको बताह का नज़ारा दिखाता हूँ, जो जितने पुराने दुराने घर, जो मिट्टी के घर, वो बताह की जो सबसे मेन मार्केट है। बताह मार्केट ऐसी है कि जो कोई भी बंदा, किसी भी देश का बंदा हो, कोई भी कंट्री का हो ना, और वो अपने कंट्री जाते टाइम अगर बताह से शॉपिंग ना करे तो फिर तो सोनी है। तो बताह में हर चीज़, पूरी मार्केट, किसी भी कोई भी सामान लो, ए टू जेड हर चीज़ मिलेगा और सस्ता से सस्ता। तो अभी चल रहा हूँ वहाँ से, आज गोश्त लेके आता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया। वहाँ पे गोश्त सस्ता मिलता है और बढ़िया एक नंबर का ताज़ा गोश्त एकदम फ्रेश। और मछली मार्केट सब कुछ मतलब एक ही में, मछली का गोश्त लें, मछली लेनी हो मछली, बकरे का गोश्त लेना हो बकरे का, ऊँट का गोश्त लेना ऊँट का। तो चलिए चलते हैं फिर, आज मैं आपको दिखाता हूँ, आज भाई के साथ चल रहे हैं, आज आपको बताह घुमाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा भाई के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं। अभी ये सामने जो बिल्डिंग है ये आपको दिखाता हूँ, ये वो है ना लेबर कोर्ट है, यही तो है जिस यहाँ सऊदी अरेबिया या रियाद का लेबर कोर्ट है। यहाँ पे जैसे केस वगैरह चलता है जो मतलब वर्कर वर्कर के लिए कोई मुश्किल परेशानी हो जाए तो यहाँ से केस कर सकते। ये है भाई रियाद का लेबर कोर्ट, ये है रियाद का, देख रहे हो अचानक से ब्रेक मार रहा है ना, लाइट दे रहा है ना कोई कुछ, और पीछे से स्पीड में इतनी गाड़ी आती भाई बता दे रहा हूँ, ठोक ठाक के चली जाएगी ऐसे ऐसे। भाई देख रहे हो बलदिया वाला है, ये बलदिया वाला, इसमें ना इसके अंदर इन्हें बंदे बंद कर रखे हैं, वो झाक रहे हैं चुपचाप। ये वो है जो बेचारे यार यहाँ पे सड़कों पे कचरा उठाते हैं, इनका भी बहुत यार मेहनत का काम है, ये बंद कर रखा है इसमें इस गाड़ी में। तो शीशा दिख रहा है छोटे, इतना गंदा है को अंदर से बाहर से नजर भी नहीं आ रहा होगा, अंदर से आ रहा हो। अब पता नहीं इसमें एसी ओसी है कि नहीं इतनी गर्मी में है। चलिए फिर आप चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं बता कि यहाँ के मीट मार्केट। आपको भाई ये घर देखो यहाँ पे एकदम पुराना अपने गाँव के स्टाइल में, ये देख रहे हो पलस्तर यहाँ घर ऐसे ही मिलेंगे, बताह मार्केट है यहाँ पे घर आपको ऐसे ही पुराने पुराने मिलेंगे। देख रहे हो पुरानी गाड़ियाँ, पुराने घर देख लो यहाँ पे, ये देखो ये सारे पुराने पुराने घर है, देख लो एक से एक घर भाई यहाँ पे पूरे कच्चे कच्चे घर हैं। यहीं पे इसी के पीछे ही आपको यहाँ पे जो गोश्त वाली जो मार्केट है वो यहीं पे है। ये सीधा बता, अभी तो रास्ता ये बंद कर दिया है, नहीं तो ये डायरेक्ट सीधा उधर से रास्ता आता था। तो ये पूरा अभी आप यहाँ से आपको राइट लोगे तो सीधा बहुत बड़ी यहाँ पे गोश्त की मार्केट है। तो आज मैं बताह की मार्केट आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जुम्मा है, जुम्मा क्या होता है ना पूरी मार्केट, वैसे रमजान चल रहा है तो 4 बजे के बाद ही खुलती, तब ये सारी मार्केट बंद पड़ी है यहाँ पे। और हालांकि पता भी नहीं है वो खुली है या बंद है, पता नहीं ये गोश्त वाली मार्केट खुली है कि नहीं। हालांकि खुली तो वैसे रहती मगर अभी इस टाइम का मालूम नहीं है, पता नहीं है। और अभी चल के देखता हूँ वहाँ से, क्योंकि गोश्त से गोश्त भी ले लेंगे, तो अभी चल के आपको दिखाता हूँ। ये पूरा बता रहा हूँ, ये देख रहे हो पूरा कच्चा इधर, मतलब पता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपको मतलब घूमने लायक एरिया, घूमने लायक चांदनी चौक, क्योंकि यहाँ पे ना आपको सारा मिट्टी से बना हुआ घर दिखेगा, और सारी बिल्डिंग जो है जैसे मस्जिद वगैरह जो है पुरानी पुरानी, जो किले हैं थोड़े थोड़े वो भी पूरे मिट्टी से बने हुए आपको यहाँ पे दिखेंगे। और यहाँ पे ज़्यादा कोई सिक्योरिटी कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे रोक टोक कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ आराम से आके वीडियो बना सकते हैं। बाकी हर जगह नहीं शूट कर सकते, लेकिन यहाँ आराम से कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये है यहाँ पे गोश्त की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत बड़ी मार्केट है भाई। ये देख रहे हो ये पूरा ये यहाँ से वहाँ तक ये पूरा बता रहा हूँ, ये पूरा गोश्त की मार्केट है, ये बहुत लंबी मार्केट है। ये देख रहे हो यहाँ पे ये सारा पूरा टंगा हुआ है, ये गाय का गोश्त है, ये देख लो इतनी बड़ी बहुत बड़ी मार्केट है मतलब यहाँ पे। ये देख रहे हो पूरा है, कौन सा लेना है, हड्डी वाला ले बनाटी वाला मिक्स ले ले, मिक्स डेढ़ किलो ले लो। तो भाई अभी यहाँ इस लाइन में जो है गाय का पूरा, गाय का है बकरे का, इधर जो बकरे की लाइन है और इधर ये गाय की लाइन है, तो बता दो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। अभी दिखाता हूँ, ये बकरे का है, ये भी बकरे का है, अरे हरा हरा
ये देखो भाई यहाँ पे पूरी पूरी गाय कट रही है, पूरा पूरा देख रहे हो कितना जबरदस्त सीन है यहाँ। ये देखो भाई यहाँ पे गोश्त 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, ये देख रहे हो भाई बहुत ही तगड़ी गोश्त की मार। वो वाला सही है, उसे में से करवा लो। भाई पूरा बोटी टंगे, बहुत बड़ी होता है गोश्त की मार्केट है। ये देख रहे हो ये यहाँ पे बकरे उतर रहे हैं भाई, बहुत जबरदस्त। हाँ यही ले ले, यही देख रहे हो ये भाई पूरा यहाँ का हिसाब किताब है, बहुत बड़ी मार्केट भाई, बहुत ठीक है सही है। आधा किलो बनाएंगे लेकिन आधा किलो तो बनाएंगे गोश्त ही सही है मेरे हिसाब से। अगर बढ़िया बढ़ा देंगे गला, गलना चाहिए ये वाला, इसलिए कि वो चूल्हा से चूल्हे से बहुत खराब है। ये देखो भाई, भाई ने काट दिया फटाफट 2 किलो। हाँ हड्डी हड्डी देख रहे हो, हड्डी हड्डी के लिए मशीन, ये गजब। हाँ ये मशीन है, इसमें हड्डी कट रही है, ये हड्डी काटने वाली मशीन है, देख रहे हो जबरदस्त भाई, जबरदस्त। पूरी मार्केट बता रहा हूँ भाई, ये देख रहे हो बकरे की, पूरी बकरे की, गाय का, ऊंट का, देख रहे हो यहाँ पे। ये पता नहीं ऊंट का गोश्त है, ये मेरे ख्याल से लग रहा है ऊंट का गोश्त है ये सामने, ये ऊंट का गोश्त है। ये देखो ये इधर गाय का गोश्त है, ये सामने वाली जो दुकान है इसमें गाय का है, इसमें ऊंट का है, इसमें गाय का है भाई। तो ये बता रहा हूँ हर तरह, इधर बकरे का है ये पूरा। तो बहुत बड़ी मार्केट है भाई, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी। ये गाय का गोश्त है ये सारा। ये देखो इधर मछली की मार्केट है, ये इधर मछली मछली, इधर ये पूरी भाई, ये देख रहे इधर पूरी। हाँ ये पूरी है, ये देख रहे खतरनाक खतरनाक मछली, ये पूरी भाई देख रहे जबरदस्त भाई खतरनाक। ये देख रहे पूरी भाई मछली की मार्केट, इधर ये पूरा इधर मछली मछली आपको मिलेगी पूरी, मतलब मछली मार्केट, गोश्त मार्केट, सुपर मार्केट सब एक ही जगह है। तो ये सामने भाई यहाँ पे आपको सब्जी वगैरह सारी मिल जाएगी इस मार्केट में। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो यहाँ से गोश्त जा रहा है, ये गाड़ी में लोड होके माल आ रहा है तो रमज़ान में भाई, इसमें बताता रहा हूँ। ये इधर ये है टमाटर वगैरह ये पूरा, और ये इधर पूरी ये मछली की मार्केट है। ये यहाँ से ना ये पूरा ये इस एरिया में पूरा मछली मार्केट है, आपको इधर पूरी मछली मछली मिलेगी, मतलब एक एक लाइन प्रॉपर बनाई हुई है, एक तरफ मछली की, एक तरफ मुर्गे की, एक तरफ बकरे की, एक तरफ ऊंट गाय की, तो पूरा प्रॉपर तरीके से भाई बता, ये बता। तो भाई गोश्त ले लिया है अभी 2 किलो लिया, कितने के मिला 2 किलो? 40 रियाल का, मतलब 20 रुपए किलो गाय का गोश्त है। और मतलब सेम सेम अपने यहाँ इंडिया में ऐसे यही रेट मिलता है। तो ये भाई बता मार्केट से, मार्केट में मतलब गोश्त और मछली और सब्जी उब्जी सारी पूरी मार्केट में उस हिसाब से। हाँ तो 190 ये 200 हो गया। हाँ 18 और 380। हाँ तो मतलब यहाँ कुल मिला के सस्ता है, यहाँ इंडिया सस्ता ही है। और गोश्त भी बहुत बढ़िया है यार, बहुत एक नंबर का गोश्त भाई। तो इस मार्केट में अगर गोश्त वोश्त लेना हो भाई बता, ये मार्केट बहुत मशहूर है, गोश्त की मार्केट है बहुत मशहूर है। तभी चलता हूँ भाई अब, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है और गर्मी है और रमज़ान का टाइम है। तो भाई ये है बताह की मेन मार्केट, अब गोश्त ले लिया, अब चल रहे हैं रूम पे। जो सबसे बताह की मेन है ना, जो यहाँ पे हर चीज़ क्या कपड़ा लत्ता कुछ भी थोक रेट, कुछ भी ये थोक रेट वाला हिसाब किताब है। तो अभी बिल्कुल सुनना सा, जैसे अपने यहाँ होता है दिल्ली उल्ली में। हाँ। है भाई 40 का ले लो, 40 का। हाँ, 20 का ले लो, एकदम सन्नाटा पड़ा भाई, भाई एकदम सन्नाटा पड़ा। देख रहे हो रमजान की वजह से एकदम सुनसान पड़ी गलियाँ। और रमजान ये यहाँ पे जिस ये एरिया भी जहाँ पे इस टाइम पे चल रहे हैं, इसी एरिया में भाई पूरा चांदनी चौक बना होता। हाँ, है दिन के टाइम में रमजान अगर ये ना सामने टैक्सी वो स्टैंड है पूरा, ये देख रहे हो सामने इधर इधर ये पूरा भाई, अभी एक एक आदमी नहीं दिख रहे हैं। देख रहे हो सामने स्टॉल कपड़े का लगा होता है, ऐसी रोड पे यहाँ पे भी ऐसे दिल्ली की तरह लगा के बेचते हैं भाई। तो भाई ये है बताह मार्केट, और बताह मार्केट एक ऐसी मार्केट है ना भाई जो बिल्कुल अधूरी है।
कोई भी ऐसा बंदा है मतलब यहाँ पे चाहे किस भी कंट्री का हो, गांव जाते टाइम वो अपने कंट्री जाते टाइम बतहा से सामान ना खरीदे तो बेकार है। तो भाई बतहा की मार्केट इतनी फेमस मार्केट है जो सऊदी अरेबिया में रहता है, रियाद की तो मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो सऊदी में हर लोग हो सकता है जानते हो, लेकिन रियाद में बच्चा बच्चा जानता होगा बतहा मार्केट। यहाँ पे हर चीज़ सस्ता से सस्ता, मतलब सोना चांदी सस्ता नहीं मिलेगा, वो तो उसी रेट पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब दुकानें बहुत बेहिसाब है, मतलब इस पर ना पसंद आए तो इस पर जाओ, इस पर ना पसंद आए इस पर, तो हर चीज़ यहाँ पे भाई बहुत बता रहा हूँ। बतहा मार्केट जो है ना बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सबसे सऊदी की मेरे ख्याल से सबसे पुरानी मार्केट बतहा ही है, सऊदी की जो सबसे पुरानी मार्केट है ना भाई वो बतहा ही है। तो अभी बतहा मार्केट में हम आए भाई, गोश्त लेने आए थे, तो बताते रहो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त। अभी तो क्या है, अभी तो सारा रोड वोड तोड़ रखा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। अब जो बस वस से आते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, अपना बस से भी आओ, लेकिन जो सबसे मेन हाईलाइटेड एरिया है उनको यहाँ पे घूमने उमने फिरने का, जैसे लोग टूरिस्ट लोग आते हैं तो बतहा है, दरैया है, या यही सब चीज़ है, पुराने पुराने यहाँ चीज़ें। अभी यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, इतने पुराने पुराने घर बने हैं भाई कि आप भी देखोगे ना एकदम बिल्कुल अपने गांव की तरह। गांव में तो घर की अभी इज्जत ही नहीं है उन घर की, और यहां पे मैं बताता रहा हूं भाई इस घर की इस टाइम पे वैल्यू बहुत है, लोग देखने के लिए यहां आते हैं भाई, इंडिया से लोग देखने के लिए आते हैं वो मिट्टी वाले घर यहां पे भी, बताता रहा हूं ये चीज़। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे भी सामने बैक कैमरे से, ये देखो यहाँ पे घर, अब ये देखो एकदम देख रहे हो अपने मिट्टी के घर है, ये पूरा प्रॉपर मिट्टी के घर है, पूरा प्रॉपर ये मिट्टी का घर है, देख रहे हो सारा पूरा गिरा पड़ा, ये पूरे घर जो है ना मिट्टी वाले, और अपने यहाँ बता रहे हैं इस घर की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ लोग देखने आते हैं, यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, ये बतहा के अंदर है सारा बता, और अभी भी लोग इस घर के अंदर रहते हैं यहाँ पे, ये है, ये ऐसा नहीं है कि ये घर गिर गया, यहाँ पे भी सऊदी नॉन सऊदी मतलब यहाँ पे एक तो ये कमरे सस्ते मिलते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं अभी इसके अंदर रहते हैं, यहाँ पे क्या है एक तो एक कमरा सस्ता मिलता है, दूसरी चीज़ इसमें ठंडा रहता है, और गर्मी का टाइम भाई है तो बता दो बहुत सस्ते कमरे मिलते हैं, सबसे मेन चीज़ ये है। तो सऊदी भी रहते हैं, नॉन सऊदी भी रहते हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी इंडियन अपने रहते हैं, बांग्लादेशी इधर बहुत रहते हैं ऐसे घर में। तो ये भाई बतहा की मार्केट है। अब हम आ गए इमाम साउथ वाले मलिक फहद वाले रोड पर, अब हम चल रहे हैं रूम पर भाई, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है अब रूम पर। हाँ बताते रहो अभी रूम पर चल रहे हैं अब भाई, ये देख रहे हो यहाँ की सड़कें भी भाई बहुत खतरनाक हैं, एकदम ज़बरदस्त पेड़ पौधे इतने प्यारे प्यारे लगा रखे हैं भाई सड़कों पे, मेन सिटी के अंदर ही इस रोड की जो स्पीड, सिटी के अंदर ही है ये रोड, 100 है इसकी जो टॉप स्पीड है, 100 है इस रोड की जो टॉप स्पीड है, ये मेन रोड पे आ गए। अब ये सीधा भाई ये हमारे रूम के साइड निकल जाएगा, इस हमें कहीं मुड़ना अभी नहीं है, सीधा ही सीधा चले जाएंगे। तो भाई टाइम हो रहा है 2:35, रात के 2:35 हो रहे हैं, और जो दिन में गोश्त लेके आया था ना वो अब चल रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि अब सहरी का टाइम है, अभी सहरी करके क्योंकि दिन में भाई फिर ड्यूटी व्यूटी लग गई, फिर कोई टाइम का पता नहीं था, तो अब आया हूँ भाई के रूम पे अभी खाना खाने के लिए। तो अभी चल के अब खाना खाते, जो गोश्त लेके आए थे बता देना, अब उसी को बना रखा है भाई ने, तो खाते हैं सामान वामान भाई, देख लो सलाद वगैरह सारा कट रहा है बेहतरीन। हाँ सारा सारी व्यवस्था हो रखी है, बस खाने की देरी है, चलिए फिर खाना खाने के बाद आपको मिलते हैं। तो भाई खाना वगैरह खा लिया, रेडी हो गए हैं, और टाइम भाई 3:00 बता तो, खाना खाने के बाद अभी 3:09 हो गए, तो अब चल रहा हूँ रूम पे, और अब भाई भी सोता है, उसका भी टाइम हो गया सोने का, अब चलता हूँ मैं भी, अब भाई नमाज पढ़ के सोएगा, पान खाने एक बंदा है पान, अभी हाँ। अभी पान वान खाने के बाद ही दिखाता हूँ रास्ते में कौन सी दुकान है पान की। तो चलिए फिर भाई को दीजिए इजाजत, अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई को दीजिए इजाजत, अब मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।